अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोग खैरियत? खुदावन शरीफ से नेक और मजबूत चाहता हूँ। अच्छा भी वैसे दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ से गुजरता था तो आज सैटरडे है, ठीक है। तो इसकी चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई बहुत बेहतरीन होती है ये यहाँ पे। मैंने बोला चलें क्यों ना यहाँ से चिकन कढ़ाई लेते हुए चले घर वालों के लिए, ठीक है ना। तो बस घर पर तो जो पका होगा खा ही लेंगे, लेकिन ये है कि चिकन कढ़ाई भी यहाँ से ले लेते हैं, है ना भाई। अच्छी होती है ना यहाँ की चिकन कढ़ाई। ये भाई भी मेरे साथ बैठा हुआ है, बहुत मैंने खुद टेबल करता हूँ इसी होटल में। चिकन लाइफ कढ़ाई है, चिकन फॉरेस्ट कढ़ाई है, चिकन हंडी कढ़ाई है, चिकन बलोची कढ़ाई है। माशाल्लाह बहुत ही कढ़ाई चल रही है, इसलिए मैं हफ्ते का टाइम है जो आज माशाल्लाह कढ़ाई बहुत चलेगी। तो इसीलिए हर आइटम है भाई के पास। मोमली कबाब हाउस है इधर होटल का नाम है, जकराबाद कराची मोमली कबाब हाउस। इसीलिए सो माशाल्लाह कढ़ाई बेहतर चल रही है, लेकिन लगभग से 2 मिनट से मुर्गी ऊपर सिर्फ कढ़ाई में चल रही है। रात दिन कढ़ाई चल रही है। अच्छा भी जैसे ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बलोची कढ़ाई, फ़िश कढ़ाई, बहुत सारे किस्म की कढ़ाइयाँ होती हैं। और आज तो वैसे भी सैटरडे है, तो तकरीबन 2 मंथ से ज़्यादा जो है इनकी आज चिकन कढ़ाई जो है वो सेल होती है। मटन कढ़ाई भी ऐसे ही होती है। तो बस हम लोग तो यहाँ अमूमन आते हैं और खाते हैं और बहुत यानी कि मज़ा भी आता है, टेस्ट इनका अच्छा है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बना रहे हैं कैसे बनाते हैं। ये देखें बस, ये बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। मेरा तो ऑर्डर तकरीबन तैयार हो गया है, ठीक है ना। तो बस मैं अब यहाँ से अभी चिकन कढ़ाई और लेके अपना घर की तरफ जाऊँगा इंशाल्लाह। फिर घर की तरफ मिलेंगे आपसे, फिर देखते हैं घर पे आज क्या खाना पका है, ठीक है व्यूअर्स। ओके, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज क्या कर रही हूँ मैं? आज एज यूजुअल सैटरडे है तो सफाइयों का सीन ऑन है। और ये देखिए आज ये एक कबर्ड की सफाई कर रही थी, तो ये देखिए बस ये है मेरी साड़ी। खैर अब तो मैं साड़ी नहीं पहनती, पहले पहनती थी। ये देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी है बस, ये देखिए। एक मिनट अभी है मुंतहा। ये देखिए बस, ये जो है इसका पल्लू है, कितनी हसीन साड़ी है ना व्यूअर्स ये। और हम क्या कर रहे हैं देखें, हफ्ते सफाई मनाया जा रहा है, साथ में मशीन भी लगी हुई है, किचन के कैबिनेट सब कुछ आज ये साफ हो रहा है। और ये देखिए ये सब सफाइयाँ हो रही हैं। तो अभी हम खाना खाते हैं और अबू बकर और ये देखें ये बात मस्जिद जाने की तैयारी में। ये लोग अभी दोबारा जाना है ना, कहाँ जाओगे अबू बकर? कौन खोनी में जाएंगे। तो अभी जो है बस सफाइयाँ कर रही हूँ मैं। और आपको एक और बात बताऊँ, मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी मेरा मूड ठीक नहीं है, बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे आज, अभी बहुत शदीद आ रहा है। और ये खाना क्या आया है देखते हैं हम, देख के बहुत गर्म है। खाना क्या आया? ये देखिए ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई है। मैंने आपको बोला था ना विवाह, चलो दे आई मम्मी के बर्तन दे आई। असलाम बैठे हैं हम ना, ये रोटी और ये खा सकते हैं। और ये बात मैं टप्पे चल सकते और टोपी पहन के और ना ये बात के साथ ना ये बात ना टप्पे चल सकते ना हम ना कानखानी में चल जाएंगे। और ना कानखानी ख़त्म हो जाए तो मैं ना बिरयानी और ना कोलमा ये बात घर पर चल जाए तो मैं भी घर पर आ जाऊँगा। अच्छा ये बिरयानी और कोलमा फिर ये नए ब्लॉग में आएंगे।
सीन कुछ ये है कि ये लोग जा रहे हैं मस्जिद, हमारे यहाँ मस्जिद में ख़त्म के लिए कुछ कुरान खानी है, क्या है कुछ पता नहीं है वो जी। तो व्यूअर, जैसा कि दानिश ने आपको बताया कि वो बाहर किसी काम से गए थे और वहाँ उन्हें कढ़ाई बनती हुई दिखी, तो वो कढ़ाई हमारे लिए लेकर आ गए। तो ये देखिए निकालना, ये देखिए व्यूअर्स, तो दानिश हमारे लिए लेकर आए हैं कढ़ाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम शुरू हो गए, मंथली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो चलिए निकालिए। तो व्यूअर्स, अच्छा हुआ कि मैं रास्ते में आते हुए चिकन कढ़ाई लेता हुआ आ गया, मुझे नहीं पता था कि घर पे खाना नहीं पका जी, लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छा ही होता है। हाँ नहीं, वैसे खैर मैं वैसे भी भाई मैं खाना बनाने जा ही रही थी जब यहाँ आए, तो मैं इनसे यही कह रही थी कि यार चिकन बनाऊँ क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अबू बकर ने मुझे ला के शॉप पर दिए कि मम्मा ये ले लें, बाबा खाना लेकर आएँ। तो क्योंकि जैसा है मैंने आपको बताया, मशीन लगाई हुई है, वीकेंडली जो सफाई होती है वो हो रही है सैटरडे की वजह से। हाँ क्या बताइए बताइए, क्या बताएंगे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। अच्छा तो आज सैटरडे था, तो सैटरडे को कौन स्कूल आता है? आज तो बर्थडे चल रहा है, खाना खाओ। चलें जी, ये अब और की एक और शिकायत आ गई कि अब करने बाहर किसी से लेके टॉफी लेके गई। चले जी, मैं पढ़ाई लगा करूँगी उनकी। तो चले व्यूअर्स, आई हमारे चैनल को लाइक करें, तो सही है व्यूअर्स, अभी हम लोग खाते हैं खाना। आइए अभी हमारे साथ खाना खाइए, हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सब मैं ये व्यूअर्स चाय बनाऊंगी और ये जो किचन फैला हुआ है, जल्दी 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 मैं ये सारे काम से फ्री होंगी। और अभी मेरा इरादा था व्यूअर्स ये कि हमारे एक रिलेटिव हैं वो उम्रे पे जा रहे हैं, तो था कि उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, लेकिन काम मैंने ज़्यादा फैला लिए हैं तो पॉसिबल देखें थोड़ा मुश्किल है जाना ना जी। तो व्यूअर्स ये देखिए, बर्तन मैंने ऑलमोस्ट सारे धो लिए हैं, धुल गए मेरे सारे बर्तन, किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, और कपड़े भी हैं जो ऑलमोस्ट धुल गए हैं, बस यहाँ से फर्श धोंगी और सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय, वरना मैं आगे कुछ काम कर नहीं सकती क्योंकि मैंने शाम की चाय पी नहीं है और मेरी हालत डाउन हो रही है अब, और मुझे एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि मैं चाय पीऊँ। तो व्यूअर्स ये है कि मैं चाय पीती हूँ और अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे आज एक साड़ी निकली है मेरे कबर्ड में से सफाई करते टाइम, इसी तरीके से आज एक और चीज़ निकली है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यार आया मुझे उसको देखकर, दिखाती हूँ मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ जी। व्यूअर्स तो ये देखिए, ये है मेरे अबू बकर का टू पीस सूट, ये देखिए इसकी शर्ट है और ये इसका कोट, और व्यूअर्स ये देखिए ये इनकी पैंट, ये देखिए ये व्यूअर्स अबू बकर ने अपने चाचू की शादी में वेयर किया था वलीमे में ना, तो ज़ाहिर मुंतहा तो थी नहीं उस टाइम क्योंकि अबू बकर के चाचू की जो शादी हुई थी तो वो मुंतहा के आने से पहले हुई थी, और अबू बकर उसमें 4.5 के एज के थे, 4.5 साल के थे वो अबू बकर उस टाइम पे, 4.5 साल भी नहीं बल्कि 3.5 साल के थे। तो ये अबू बकर ने उस पर वेयर किया था और माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे थे वो, उनके एल्बम में होगी कोई पिक्चर्स तो मैं ज़रूर आपको निकाल के कभी दिखाऊंगी। तो आज मैं ऐसे ही कवर साफ़ कर रही थी तो ज़िबर में मुझे ये रखा हुआ दिखा, तो मैंने कहा चलो यार आज मैं इसको अब किसी को दे दूँ, ये कब से रखा हुआ है, अब ज़ाहिर ना इसको अभी अवेयर कर सकती हैं मुंतहा के, तो ज़ाहिर हो ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकता, तो बस मैंने इसलिए इसको निकाला। तो बस मुझे इसको देख के बहुत प्यार आया, और कहते हैं ना पुरानी चीज़ें देख के व्यूअर्स यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो बस टाइम मुझे याद आया अबू बकर छोटे से हुआ करते थे और कैसे किट शिट में रहते थे। ये देखिए अबू बकर की ये पिक्चर है ना, ये वाली, ये देखिए अबू बकर हमेशा बहुत किट शिट में हुआ करते थे, तो ये जो है व्यूअर्स इस तरह के है सारी, तो बस मैंने कहा लाएं आपसे भी शेयर करूं।
जी तो व्यूवर्स, मैंने आपको अपनी साड़ी भी दिखाई और कितनी खूबसूरत साड़ी है मेरी, और पहले पहना करती थी, खैर अब नहीं पहनती हूँ साड़ियाँ। और दूसरी बात ये है कि अबू बकर का प्यारा सा मैंने आपको सूट भी दिखाया। तो बस यही आज था कि मैं काम कर रही थी सारे, और सफाइयाँ अभी भी मेरी बाकी हैं काम, चूँकि ऐसा ऐसा मैं सारे कामों से फ्री हो रही हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने जैसा आपको बताया मेरा एयरपोर्ट जाने का था, लेकिन नहीं जा सकी मैं एयरपोर्ट, क्योंकि ज़ाहिर काम मैंने इतने ज़्यादा फैला लिए। तो व्यूअर्स बस यही मिले जुले आज के काम रहे, तो बस यहीं तक देखें आज का मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं बाकी सारे कामों से फ्री हूँ जाके। और फिर मुंतहाबिया को थोड़ा तो पढ़ा दिया, थोड़ा सा और पढ़ाना है, फिर कल संडे है, संडे के भी कुछ थोड़े से एक दो काम हैं वो करने हैं इंशाल्लाहुल्अज़ीज़। तो फिर ऐसे ही इंशाल्लाह इंशाल्लाहुल्अज़ीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलूँगी आपसे कल। तो इजाज़त दीजिए बहुत सारे दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़।